तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। मैं हूँ राहुल। तो दोस्तों, आज जो है 27 जून 2023 को बाबा खाटू श्याम की मूर्ति की स्थापना हुई, शीश की स्थापना हुई उनके इज्जत नगर रेलवे स्टेशन के सामने। और दोस्तों, आज हम लोग को जो है बाबा श्याम के दर्शन का सौभाग्य मिला। देख सकते हैं, पहला दर्शन मंदिर में जब पहले बाबा का जब जो है शीश स्थापित हुआ, पहला ही दर्शन हम लोग को मिला। और हम लोग अपने आप को काफ़ी सौभाग्यशाली समझते हैं कि दोस्तों, पहले बार में हम लोग को दर्शन मिला। बाबा के पहले दिन ही हमें उनका इतना अच्छा दर्शन मिला। उनके सामने, उनके चरणों के सामने हमें खड़े होने का अवसर मिला। दोस्तों, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और देख सकते हैं, हम हैं शिवानी हैं और जो दीदी हैं हमारे, जो हमारी जो हैं जानने वाले हैं, हम लोग दोस्तों साथ में जो है बाबा श्याम के साथ एक फ़ोटो ले रहे हैं। और दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ जो है ना ही केवल श्याम बाबा श्याम की जो शीश स्थापित हुआ है, बल्कि जो है शंकर पार्वती और राधे कृष्ण जी, राम सीता जी, हनुमान जी, सभी देवी देवताओं की मूर्ति को स्थापित किया गया है दोस्तों। और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सफाई से, बहुत ही सरस्वती जी को देख सकते हैं, ये शंकर पार्वती जी को देख सकते हैं, ये सीता राम जी और राधा कृष्णा जी और ये सब देवी देवताओं की मूर्तियाँ कितनी सुंदरता से लगाई गई हैं। एकदम सफ़ेद मार्बल है उसके पीछे, कितना सुंदर लग रहा है, एकदम संगमरमर जैसा, एकदम बहुत ही सुंदर मार्बल के जो ये देवी देवता, ये देख सकते हैं दोस्तों। भव्य भंडारे का आयोजन इज्जत नगर रेलवे स्टेशन के सामने जो पेड़ है, जो बड़ा सा पेड़ पे, पेड़ के नीचे जो है, जो मंदिर के बगल में लेफ्ट हैंड पे खूब बड़ा भव्य आयोजन हो रहा है। देख सकते हैं हमारे प्रेम स्वीट्स वाले भैया जो है सेवा में लगे हुए, बाबा श्याम की सेवा में लगे हुए हैं और सभी लोगों को प्रसाद बाँट रहे हैं। दोस्तों, यही मानव धर्म है कि सबकी सेवा करना, यही जिंदगी है, यही जिंदगी का मतलब है। खुद खाया तो क्या खाया, औरों को खिला के ही जीवन मिलता है दोस्तों। और देख सकते हैं हमारे जो भाई लोग जो हमारे मोहल्ले के ही हैं, ये सब भी सेवा में लगे हुए हैं। जो कोई पानी दे रहा है, कोई शरबत दे रहा है, कोई आपका जो है प्रसाद दे रहा है। और तो आप लोग देख सकते हैं कि अब देख सकते हैं दोस्तों, प्रसाद खाने के बाद हम लोग जो है अब अंदर आ गए हैं। और अंदर आने के बाद जो है हम लोग जब फिर से अपना जो है मंदिर परिसर में थोड़ा सा बैठे हैं और देख रहे हैं कि भगवान को किस तरह से, भगवान की मूर्त को देख रहे हैं, हम लोग निहार रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य है कि पहले ही दिन हम लोग को मंदिर में सौभाग्य मिला वहाँ पे जाने का, भगवान के सामने बैठने का, भगवान को देखने का। भगवान से ज़्यादा सुंदर दोस्तों दुनिया में कोई नहीं है। सच कहा है, प्रेम करना है कि तो भगवान से करो। इंसान में क्या रखा है, इंसान में क्या है दोस्तों, भगवान से प्रेम कीजिए। और ये सच्चा प्रेम है जो कभी भी आपको नहीं छोड़ता है। भगवान आपका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय खाटू।